तो राम राम भाई, सबको स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमने अनुज को 10 से 12 दिनों में ही एक अच्छी स्केटिंग सिखा दी। वो कैसे सिखाई, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अनुज एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उसने ये स्केटिंग सिर्फ 10 से 12 दिन में सीख कर, वो भी इनलाइन पर, और एक अच्छी कमांड सेट कर ली है। उसको ब्रेकिंग से लेकर स्पीड बढ़ाने तक ऑलमोस्ट सारी टेक्निक्स आती हैं, और भी वो नई नई टेक्निक्स सीख रहा है, जैसे कि जंपिंग और पावर स्लाइड वगैरह, जो कि आने वाले दिनों में आपको दिख जाएंगी। वो अच्छे से इन चीज़ों को कर पा रहा है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि हमने उसको कौन से टिप्स दिए जिनसे वो इतनी जल्दी सीख गया, और दूसरा उसने कौन से टिप्स फॉलो करे अपनी तरफ से जिससे कि उसकी कमांड और अच्छे से स्केट्स पे आ गई। ऑल्सो वो एक इनलाइन पे सीखा है, तो कौन सी चीज़ों का उसने ध्यान रखा कि वो इनलाइन पे इतनी जल्दी से चीज़ों को ग्रैब कर गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनलाइन पे उसने सीखा है, उसने क्वार्ट्स भी बीच में चलाए थे, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ उसने क्या क्या चीज़ें करी जिससे कि वो इजीली सीख गया। बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलो यार, अब अनुज से ही पूछ लेते हैं कि उसने कैसे सीखा। हो सकता है मेरे बताने में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वो आपको एक एक चीज़ अपनी ज़ुबान से ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो चलो यार, मिलते हैं अनुज से। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। बे यार, इनने बहुत खून भी रखा है। एक तो आजा, क्यों हिला डाला ना भाई, आजा यार। जब से सीखा है तब से इधर भाग रहा उधर भाग रहा है, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ खड़ा कर रहा था वीडियो के लिए। भागम भाग चल रही है तेरी, अब रुक तो जा कि नागमणी लेके ही जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुज इकलव्य। अच्छा, तो मैं अपना बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट करे स्केट्स और कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। जैसे भैया ने आपको बताया होगा मेरे बारे में कि कितनी जल्दी मैं सीखा और क्या क्या मैंने करा, तो मैं जो मैंने करा है स्टार्टिंग में भैया के फॉलो करा है, भैया को जो भैया ने मेरे को बताया, तो वही बताते हैं ना। तो मैं बता देता हूँ, पहले हम मिले थे भैया और मैं अकेडमी में, बास्केटबॉल सिखाता हूँ, भैया अपना रोल बॉल सिखाते हैं। तो मेरे को एक दिन लगा मेरे को करना है स्केट्स, पहले से भी करना था लेकिन मेरे पास कोई था नहीं इतना कुछ खास, मैं बस वीडियो देखता था, आती रहती थी वैसे। तो मैं तो फिर भैया ने मेरे को बताया, पहले सबसे पहले भैया ने मेरे को चलवाए हाइपर और उन्हें क्वार्ट्स, पता नहीं जो भी कहते हैं वो चार पहिए वाले जो होते हैं ना, क्वार्ट्स। तो भैया ने मेरे को पहले वो ट्राई करवाए, तो पहले तो मेरा बैलेंस आ रहा था, तो भैया ने मेरे को बेसिक बताया कि ऐसे हाथ रखो और फिर हल्के हल्के, पहले भैया ने स्टेप ताकि मेरे को, तो भैया ने पहले मेरे को बताया कैसे स्टेप लेने हल्के हल्के, फिर उसके बाद भैया ने बताए साइड में ये जैसे अपन लेते हैं ना हल्का सा वी में पैर मारना, ये वी। तो चलो यार, आगे की बात थोड़ा चलते चलते करते हैं, आपको उसकी स्केटिंग भी दिख जाएगी और उसके स्टेप भी दिख जाएंगे। तो इसके बाद भैया ने मेरे को बताया कि ऐसे पैर रखना है, बैंड रखना है और ऐसे वी में पैर मारना है, ये वी, वी में पैर मारना। अगर हम बॉडी को बैंड नहीं रखेंगे तो हमारा बैलेंस जाएगा। मेरा जाता भी तो कभी मैं ऐसे गिर रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ, मेरा पीछे बैलेंस चले जाता था, लेकिन भैया ने कहा हमेशा बॉडी को बैंड रखना है, सामने देखना और ये वी में पैर चलाता हूँ, रुकना नहीं है बस ये। और फिर इसके बाद भैया ने मेरे को सिखाया थी टी ब्रेक, ये करके बस ये रोको। तो इसके बाद हमने सीखे थे टी ब्रेक, वो मेरे को भैया की वीडियो में देख रहा था मैं, वो आपको दिख जाएगी ऊपर ही, वह शो कर देंगे। उसमें क्या करना होता है, सीधे जाते हैं हम और पीछे ये पैर ऐसे सिंपल, ये होता है टी ब्रेक ऐसे, ये बेटर था। अब तो अपन स्टैंड भी कर लेते हैं, ये देखो। तो आई होप सो भाइयों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, भाइयों और उनकी बहनों, आप लोग को आई होप सो कि जो चीज़ें वो बता रहा है वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही बेसिक स्टेप है जो कि आप भी सीख सकते हो, और आज मैं ये लाइव आपको अपने सामने इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 10 से 12 दिन में भी स्केटिंग सीखी जा सकती है। तो चलो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और जो आगे उसने सीखा है वो आपको अपने मुंह से खुद बता देगा। क्रिश क्रिश हैं? अबे यार भैया इतना बढ़िया। तो अब मैं दिखाऊंगा जो सर्कुलर में हम घूमते हैं, ये यहाँ पे हमने सीखा कैसे था, ये थोड़ा बच गया, मेरा भी होता रहता है हिलडुल पिलडुल क्योंकि यार स्टेज ही है।
तो इसमें क्या करा था हमने, अकेडमी हम कोन्स रख देते थे गोल गोल, उसमें पहले हम हल्के हल्के ट्राई करते थे ऐसे, ये हल्के एक के बाद एक स्टेप, ये फिर इसमें थोड़ा और स्पीड बढ़ाई, इंक्रीज करा, ये एंड टर्न। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जल्दी अगर किसी को जल्दी सीखना है तो भाई देखो पहली बात तो होनी चाहिए उसके अंदर लगन, चुल, जैसे मेरे अंदर है कि मेरे को सीखना है तो भाई सीखना है। और वैसे भी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं बास्केटबॉल प्लेयर एंड इंटर स्कूल वॉलीबॉल प्लेयर एंड फुटबॉल प्लेयर। तो भाई देखो जिसको भी सीखना है तो उसके अंदर एक तो पहली बार लगन होनी चाहिए, मैंने जैसा बताया, चुल होनी चाहिए भाई तगड़ी वाली, एकदम कीड़ा जैसे कहता है ना प्लास्टिक का कीड़ा मरे ही ना, वो होना चाहिए। ये अब मैं और अब मैं वैसे हल्के हल्के बैक स्केटिंग ट्राई कर रहा हूँ भैया से, भैया ने बताया था, उसमें क्या होता है ये ऐसे सी बनाते हैं, अभी स्टार्ट है बस मेरा, मैं कर रहा हूँ बस ट्राई, आज थोड़ी लग रही है मेरे को बेटर खुद से, वरना गिर जाता हूँ मैं करते करते। ये सी बनाते हैं, मैं एक लेग से ही सी बना रहा हूँ, भैया दोनों से बताते हैं, बननी क्या भैया वीडियो। अभी रॉकेट टर्न एंड गो रॉकेट शू। भाई इसमें मजा आता है। तो आई होप सो भाइयों की आपको समझ में आ गया होगा कुछ स्टेप्स, जैसे कि काफी स्टेप्स में वो थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लेकिन अभी उसकी बिगनिंग स्टेज है, 10 से 12 दिन में ही उसने इतना अच्छा कर लिया है और कमांड उसकी इतनी अच्छी हो चुकी है स्केटिंग पे। तो ये भाई रेगुलर चलाने के पर्पज से, ऑल्सो सीखने की कितनी भूख है इंसान के अंदर, वो चीज़ से मैटर करता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आप भी इतनी जल्दी से स्केटिंग सीख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है या फिर कहीं पर स्पेसिफिक जाके आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक पे जाके मेरे को फॉलो करो और वहाँ से मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम। और अनुज का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, अनुज एकलव्य ब्लॉग्स। बाय बाय।